all the way going down now, so please make sure every step on. This is a monkey pool. Hello, Tishku. Tishku, where are you going? Say hi. Hi. Tell me, where are we going today? Mountain. आज हम है हुआ हिल थाईलैंड में और हम जा रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल केव है. मेरे को उसका नाम बोलना तो नहीं आएगा बट हम वहाँ जा रहे हैं और ये ब्लॉगिंग उसी की है. मामा कैसी लग रही है? ब्यूटीफुल. थैंक यू माय सन. टिशकू कैसा लग रहा है? कैसा? आफ्टर ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद हम यहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके थे. ये है केव जहाँ पे लोकल जब आपकी गाड़ी पार्क करी पहले, और ऑफकोर्स इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप वॉशरूम यूज़ कर ले जाने से पहले. शूज़ कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है. मैंने एक शूज़ चेंज किया. इसके बाद आपको एक टिकट लेना पड़ेगा. ऑफकोर्स पहले आपको पार्क का, जो नेशनल पार्क है ये, उसका टिकट और बाकी चीज़ें सेपरेटली. लेकिन दिस वॉज फन पैक. एक बार आइलैंड का ट्रिप ख़त्म होने के बाद हम पहुंच गए अपने रियल डेस्टिनेशन जहां से हमें चढ़ाई शुरू करनी थी. और मैंने शर्ट इसलिए पहन लिया क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, टैनिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने शर्ट पहन लिया ऊपर से. और कंफर्टेबल शूज़ एज आई मेंशन बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी थे. हम चल पड़े अपनी चढ़ाई करने, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो. मैं बहुत एक्साइटेड थी इस ट्रिप के लिए क्योंकि आई कैन से ये बेबी होने के बाद, तनिष्क के होने के बाद, ये मेरा पहला ऐसा कोई ट्रिप था. वैसे तो हम गोवा में भी दूध सागर गए थे विच वॉज़ फ़न, और ये ऑलमोस्ट वैसा ही था. लेकिन हाँ, केव के अंदर जाना, उसके लिए वो भी डबल माउंटेन चढ़ के, थोड़ा मन में ऐसा था कि कर पाऊँगी कि नहीं, बट उससे ज़्यादा मैं बहुत एक्साइटेड थी. Enjoy the view, guys.
एट द एंड इट वॉज ऑल वर्थ वॉचिंग. एवरी सिंगल स्टेप वॉज वर्थ टेकिंग. जो व्यू हमने देखा लास्ट में, उसके बाद ऐसा फील हुआ कि वाओ, हम पहले क्यों नहीं आए. 8 महीने से हम हुआ हिन में रह रहे हैं, हमने ऐसी जगह पहले क्यों नहीं एक्सप्लोर की है. सो फाइनली बोथ ऑफ अस डिसाइडेड दैट वी विल एक्सप्लोर हुआ हिन फर्स्ट कम्प्लीटली एंड देन वी विल मूव ऑन टू अदर डेस्टिनेशंस लाइक चंग माई. एनी वेज फुकेत वी हैव बिन 2-3 times, बट चंग माई और ये सब हम डिसाइड कर रहे हैं जाने के लिए. पर हुआ हिन में अभी बहुत कुछ बाकी है. टाइम टू गो बैक. अब उतरने की बारी थी और इस टाइम तक तनिष्क सो गया. हम फाइनली पहुँचे, ये सो गया. हमने सोचा क्यों ना पहले कुछ खाना खा लें, तब तक तनिष्क सोता रहा. वो भी अच्छी बात थी, एटलीस्ट हम थोड़ा बीच पे इंजॉय कर पाए. और बस उसके बाद जो बोट से आप बुक करके आते हैं वो बोट आपको दोबारा ड्रॉप कर देती है. आपके पास ऑप्शन है, अगर आप बोट नहीं लेना चाहते आप वॉक करके भी जा सकते हैं. बस आपको एक और माउंटेन उतरना पड़ेगा और ज़्यादा कुछ नहीं है. लेकिन हमने डिसाइड किया तनिष्क के साथ कि बोट बहुत ज़रूरी है. और लास्ट में ये देखिए, ये ऐसा था, आई वॉज सरप्राइज टू सी सो मैनी थिंग्स टुगेदर.